हम बढ़ते हैं अलीगढ़ मासूम हत्याकांड के विरोध में लोगों में बहुत गुस्सा है। चार आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद भी लोगों का गुस्सा शांत नहीं हो रहा है। सोशल मीडिया पर चल रहे अभियान के तहत टप्पल में पुलिस और प्रशासन हाई अलर्ट पर है। आरोपियों को फांसी की मांग को लेकर के प्रदर्शन हो रहे हैं। शहर के कई इलाकों में पुलिस ने कल और आज फ्लैग मार्च किया, लेकिन कड़े सुरक्षा इंतजाम के बावजूद कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प की खबरें सामने आई हैं। जेवर में तो आक्रोशित भीड़ ने यमुना एक्सप्रेस वे पर जाम भी लगा दिया। इस प्रकार की घटना है, पहले कठुआ में हुई, फिर अलीगढ़ में हुई, फिर महाराष्ट्र में हुई, फिर मध्य प्रदेश में हुई। मैं सीधे तौर पर मान रहा हूं कि सरकार और कानून व्यवस्था छोड़िए, हम एक बीमार समाज हो गए। हमारी बीमारी विकराल रूप धारण कर चुकी है। 2 साल की 3 साल की बच्ची के साथ वहशियाना हरकत और उसके बाद ट्विटर पर लोग बट रहे हैं, ये सख्त संदेश कि हम सब बीमार हो चुके हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में पुलिस निरंकुश हो गई है और अपने कार्यों को अंजाम नहीं दे रही है, वो चिंता का विषय है। औरत एक माँ है, बेटी है, बहन है, धर्मपत्नी है। यदि हम उसको इस नजर से देखेंगे तो निश्चित रूप से हम बलात्कार जैसी घिनौनी हरकत को सोच भी नहीं सकते। और जिस तरह से बलात्कार बढ़ रहे हैं, इसके लिए समाज को आगे आना होगा और राजनीतिक लोगों को आगे आना होगा। लेकिन साथ साथ ये भी ध्यान रखिए कि जिस तरह से साक्षी महाराज जी बलात्कार के आरोपी विधायक को मिलकर के धन्यवाद दे रहे हैं, समाज उससे क्या दिशा लेगा, ये हमें देखना होगा। दर्द भरी बात है, दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है। जितनी निंदा की जाए कम है, लेकिन साथ साथ सरकार पर भी सवालिया निशान लगा है। उत्तर प्रदेश के अंदर कानूनी व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है, और जिसका ये नतीजा है जो कुछ अलीगढ़ के अंदर हुआ है। अलीगढ़ की जो घटना है उसके बाद लोगों का गुस्सा अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि एक के बाद एक कई ऐसी और घटना दूसरी सामने आ रही है। मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़े हैं लखनऊ से, उनका भी रुख कर लेते हैं। लखनऊ से इस वक्त मेरे सहयोगी विजय मिश्रा जुड़े हुए हैं। विजय, क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में? अलीगढ़ के बाद तो ऐसा लग रहा था कि पुलिस और प्रशासन सब हरकत में आ गया है, और आनंद फानंद में हमने देखा कि कई तरह की कार्रवाई भी की गई, बावजूद इसके एक के बाद एक घटना सामने आती चली आ रही है और दो भागों में बटा हुआ समाज भी दिखाई दे रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने कि इस समय अगर हम अलीगढ़ की घटना की बात करें तो जाहिर सी बात है कि उस घटना से पूरे उत्तर प्रदेश में अभी पुलिस ने सबक नहीं लिया, और यही कारण है कि हमसे 2 से 3 घटनाएं उसके बाद हुई हैं। हालांकि अलीगढ़ के भी हालात इस समय ठीक नहीं है, क्योंकि वहां पे धारा 144 लगाई गई है। एक महापंचायत का ऐलान किया गया था जो कि बाद में पुलिस की सख्ती के चलते टाल दिया गया। हालांकि वहां पर कुछ प्रदर्शनकारियों के साथ पुलिस की भिड़ंत भी हुई है, और जाहिर सी बात है कि वहां समाज इस समय दो भागों में बटा हुआ। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि कहीं ना कहीं कुछ इस तरह के उपद्रवी तत्व जो है वो इस पूरे माहौल का फायदा उठाना चाहते हैं, और उस फायदे को उठाने के लिए तमाम तरह के दुष्प्रचार या कहा जा सकता है तमाम तरह की बातें सोशल मीडिया से लेकर व्हाट्सएप से लेकर के इस तरह से फैलाई जा रही हैं। और यही कारण है कि इस तरह की बातें जो हैं वो एक दूसरे के बीच में चर्चा होती है, और चर्चा होने के बाद एक दूसरे के प्रति मन में नफरत पैदा होती है, और उसी नफरत का फायदा उठा करके इस तरह की घटना को अंजाम देने में लोग लगे हुए हैं। हालांकि साध्वी प्रज्ञा भी उस घटनास्थल पर जाना चाह रही थी, बाद में पुलिस ने उन्हें रोक करके उन्हें वापस किया है, और कुशीनगर या फिर और एक दो जिलों में जिस तरह से बुरी घटनाएं हुई हैं, छोटी बच्चियों के साथ घटना हुई है, वो काफी ज्यादा दर्दनाक है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अलीगढ़ की घटना भी शांत भी नहीं हुई है, और उसके बाद भी ये घटनाएं जो हो रही हैं वो सवाल खड़ा करती हैं कि शुरुआत में घटना जो मरहम लगना चाहिए था वो अब और उभर करके सामने आ रहा है, क्योंकि एक के बाद एक तमाम ऐसी घटना सामने आ रही है। बहुत शुक्रिया विजय इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे अलीगढ़ की घटना को लेकर के। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में बीजेपी पर तंज कसा है। सामना ने लिखा है कि अगर चुनाव में जीत का जश्न खत्म हो गया हो तो सरकार को अलीगढ़ की घटना पर ध्यान देना चाहिए। सामना में लिखा गया है कि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में महज 10,000 रूपए के लिए 2.5 साल की बच्ची की निर्मम हत्या कर दी गई। पूरे देश में इसे लेकर आक्रोश की लहर है। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने भी बच्ची के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त कर दी है, लेकिन सत्ताधीश के रूप में चुनकर के आए हैं उन्हें भी अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। नाम नहीं लिया है, लेकिन देखिए निशाना साध दिया है योगी सरकार के ऊपर। और बड़ी खबर यह है कि अलीगढ़ में मासूम हत्याकांड का मामला शांत नहीं हुआ।